में कितना मजा आता है ना? मजा? ठंड से हाथ पैर जम गए हैं। ना समझो, सर्दी में ठंड को, बरसात में पानी को और गर्मी में धूप को कोसते रहते हो, लेकिन पहलवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब सर्दियों का और मजा उठाएं? पर वो कैसे राजकुमारी? बर्फ में खेलकर। बर्फ में खेलकर? कैसे इंदु? ढोलकपुर में तो बर्फ नहीं पड़ती, पर हम वहाँ तो जा सकते हैं जहाँ बर्फ पड़ती हो। हाँ, ऐसी जगह कहाँ है इंदु? बताती हूँ। हिमालय पर्वत की कुछ वादियों में बर्फ के खेलों का मेला लगता है, जैसे बर्फ में ढके हुए पहाड़ों पे चढ़ना, स्कीइंग करना, बर्फ के गोले बनाकर खेलना, रोपवे से सफर करना और बर्फ में ठोकरे खाते हुए चलना। ऐसे कई सारे खेलों का आयोजन होता है। वाह, अब मुझे भी बर्फ में खेलने का मन कर रहा है। हाँ राजकुमारी, ये काफी मजेदार लग रही है, पर ये कौन सी जगह है? मनाली। मनाली? यहाँ से कितनी दूर है इंदु? ये देखो, भारत के उत्तरी भाग के हिमाचल राज्य में है मनाली, और वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। बढ़िया राजकुमारी, तो हम कब चलेंगे मनाली? कल ही चलेंगे भीम। क्रिसमस मैं अपने दोस्तों को क्या दूं? हाँ, शुक्रिया। शॉपिंग तो हो गई, अब इन्हें घर पर छुपाकर सबसे मिलने जाऊंगा। अब इन्हें मैं कल ही निकालूंगा। कब से इंतजार कर रहे हैं? कब आएगा भी? मैं आ गया। कहाँ थे तुम भीम? बहुत देर कर दी आने में। हाँ, हम तो मेले में जाने वाले थे। और तुम इतने खुश क्यों हो? इतने सारे सवाल, तुम सबको कल तक सब पता चल जाएगा कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। ठीक है, मैं तुम सबको इतना बताता हूँ कि तुम सबके लिए मेरे पास कुछ सरप्राइजेज हैं। सरप्राइजेज? तुम्हारा मतलब तोहफे? शायद। अरे वाह भीम, तुम हमेशा हम सब के लिए कुछ न कुछ खास करते हो। तोहफे? अब चलो, हमें मेले में भी तो जाना है। हाँ, चलो। आज मेले की सारी सवारियों में कितना मजा आया ना भी। कल आएगा मजा। काश सबको अपने गिफ्ट्स पसंद आए। अरे वो देखो, भीम आ रहा है और उसके हाथ में इतनी बड़ी बोरी। तुम तो बहुत उत्सुक हो जग्गू। मेरी क्रिसमस दोस्तों। मेरी क्रिसमस भीम। चुटकी, ये तुम्हारे लिए, ये तुम दोनों के लिए, और ये तुम्हारे लिए। कैसे लगे तोहफे? कितना शानदार तोहफा है। धन्यवाद भीम, तुम तो हमेशा सबसे खास तोहफे देते हो। वाह वाह वाह। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट तोहफा है। वाह भीम, उस्ताद का गिफ्ट तो सचमुच बहुत खास है। इतने घटिया तोहफे तुम सबको पसंद कैसे आए? क्या बात है कीचक, तोहफे तो अच्छे ही है ना?
चुप करो। इतने मुश्किल से मैंने और मन्नू ने तुम सबकी दोस्ती तोड़ने का प्लान बनाया। कल रात भीम के घर जाकर तोहफे बदल दिए और इस सबके बीच बेचारे मन्नू को तो चोट भी लगी। और तुम सब मिलकर हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। हमें तो तुम्हारी इस चोरी का पता चल गया था, पर हम तुमसे ही इस सब के बारे में सुनना चाहते थे। भीम, ये तोहफा तो कितना प्यारा है और ये नाच भी रहा है। हाँ? मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ। मेरे हाथ में तो ये वॉच जंच रही है। चॉकलेट्स, थैंक यू भीम। मनाली में जाना ही मना है तो हम बर्फ से कैसे खेलेंगे, सर्दियों का मजा कैसे उठाएंगे, इतना लंबा सफर बेकार हो जाएगा। क्या तुम लोग बर्फ के खेल खेलने आए हो ढोलकपुर से? हाँ। तब तुम लोग चिंता मत करो, मेरे बाबा सरदार नेगी तुम लोगों की मदद करेंगे। वो यहाँ से कुछ ही दूर पहाड़ों पे रहते हैं, तुम सब उनके पास चले जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? मेरा जूजू है ना, वो बताएगा रास्ता। जूजू, जूजू यहाँ आओ, इन्हें बाबा के पास लेके जाओ। शुक्रिया दोस्त धीरू, जूजू हमें ले जाने के लिए तैयार है, हम फिर मिलेंगे। जरूर। भीम, आगे रास्ता बंद है, ये गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। रही हो बिल्कुल हटके। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ।
वाली सवारी है। ऊपर आ गए, अब यहाँ 15 मिनट रुकने के बाद नीचे जाएंगे। कितना सुंदर नजारा है। यहाँ तो सब सुंदर है, अब गया हूँ मैं सुंदर नजारे देख देख के। ये क्या है? ये तो बर्फ की गाड़ी है, गाड़ी। पर इसे चलाते कैसे हैं? नहीं, कोई तो उसे बचाओ। सफर बहुत यादगार रहा, अब हमें वापस जाने की इजाजत दीजिए। मनाली आते रहना, तुम सबकी बड़ी याद आएगी मुझे। जरूर चाचा। मैं तो भूल ही गया, ढोलकपुर वालों के तीखे मुक्के तो मैंने देखे हैं, पर उनके मीठे लड्डू कभी नहीं खाए। ये लीजिए चाचा। साहसी राजकुमारी नीलम की गजब कहानियाँ। देखो पूरी रात किताब मत पढ़ना, अच्छे से सो जाना। हाँ, राजकुमारी नीलम के हथियार। राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले? मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बना दो मुझे हट्टा कट्टा लड़का। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिमजिम हुआ, चिमचुम हुआ, बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। तुम मेरा
कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और अगर कल का सूरज डूबने से पहले तुम ये जादू तोड़ नहीं पाओगी तो तुम बन जाओगी हमेशा के लिए कौवा। आप बिना उस्ताद ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है? नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ में। चलो चलो महाराज के पास चले। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। हाँ? ये देखो मेरी चूड़ी, भीम चोर है। राजकुमारी मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम भागो। के पास भी नहीं आ सकेगा। और इंदु तुम पिंजरे में से कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ तो तुम हो तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। ये क्या हो रहा है? और भी बच्चे कौवे बनने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें हमारा जादू दिखाते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजकुमारी मैं बनने चली थी एक साहसी राजकुमारी, लेकिन सब गड़बड़ कर दी। राजकुमारी तुम साहसी ही नहीं एक सच्ची दोस्त भी हो। हाँ तुमने ही तो मुझे सैनिकों से बचाया था और जादूगरनी को अपने अंदाज में सबक सिखाया। सच? केले की कसम। ओ, सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। हर खेल
खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। जग्गू जल्दी, आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलू शुरू करो अपना गाना। तुम्हारा असली मनोरंजन।
कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? हाँ। क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? हाँ। तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कॉम्पिटिशन के लिए रजिस्टर करो। की टीम है भीम और चुटके की टीम। राजू जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ी आई है, वो देखने चले। हाँ, चले 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 आओ। चलो गैराज है ना मेरे मामा का। हा? मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ पहलवान खुद को कहते हैं पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है और ये तो एकदम उनके पेट जैसा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यही बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। हाँ,
हो जाए शुरू दोस्तों।